बट गाइस पैर में देख सकते हो कुछ नहीं पहने है तो बहुत ज्यादा जल रहा है पैर, है ना। अंकल से भी पूछे तो वो बोले एक आदमी का 50 रुपया है ना, दो आदमी का 100 रुपया। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह का टाइम हो रहा है, वो बज रहा है सुबह का 10, ठीक है। तो देख सकते गाइस हम फुल पावर में रेडी हो चुके हैं। आज के इस ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं गाइस रजरप्पा मंदिर, जो कि ये आप लोग को बताना चाहूंगा ये कहाँ पे से, ठीक है। तो गाइस ये झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, ठीक है, रजरप्पा। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, है ना, हम और कुछ दोस्त जा रहा हो। तो गाइस और एक बात, तो गाइस कल ब्लॉग नहीं आ पाया तो दिल से सॉरी गाइस, ठीक है, कुछ कारण है। तो चलिए गाइस आपसे ब्लॉग कंटिन्यू आएगा फुल पावर में, तो आप लोग सपोर्ट करना। तो चलिए अभी माँ का दर्शन कराते हैं आप सभी को, आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, चलिए चलते फिलहाल, ठीक है। और हमारे चैनल में अभी तक जो फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, एंड गाइस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, रिक्वेस्ट है प्लीज लास्ट तक, ठीक है। और पसंद आता है कमेंट कर देना। तो चलिए चलते हैं फुल पावर में गाइस। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग रजरप्पा पहुंच चुके हैं ना, और यहाँ पे गाइस बहुत ही भीड़ भाड़ है। और क्योंकि गाइस पिछला बार हम आए थे लगभग एक साल हो गया है, एक साल के हम बाद यहाँ पे आ रहे हैं, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीछे हमारे कितना सारा गाड़ी है एंड बहुत सारा यहाँ पे भीड़ है। तो चलिए अभी माता जी के दर्शन करवाते हैं आप सभी को, चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहे, ठीक है। तो आगे का नज़ारा कुछ देख सकते हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुका है यहाँ पे, यहाँ पे भीड़ देख सकते हो गाइस कितना भीड़ है सो। और हम लोग अभी पूरा डोन में जा रहे हैं, पूरा नीचे साइड उस पर जो कि है ना गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये छोटा सा पुल, जो कि जिस टाइम हम पिछला बार आए थे तो यहाँ पर पूरा ऊपर से पानी बह रहा था इतना बरसात के दिनों में, है ना। और यहाँ पे बहुत कोई नहा भी रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। और इस साइड देख सकते हो गाइस मंदिर है, और इधर बहुत ही सारा भीड़ हो चुका है गाइस। और उस पुल देख सकते हैं, वो पुल अभर ही बना है, जो कि न्यू पुल है। तो गाइस अभी गर्मी लग रही थी तो मुँह कान धोल चुके हैं, ठीक है। और देख सकते हो हमारे साथ आए हैं, अभी पीछे दिखी हुए आया हूँ, और ये बिल्ला, ठीक है। तो चलिए अभी घूमते हैं और आप लोग को दर्शन करवाते हैं, चलिए चलते हैं अभी आगे की ओर। तो गाइस अभी हम इस मंदिर में आ चुके हैं, और यहाँ पे एक बाबा जी हैं, तो अभी हम बाबा जी से पूछेंगे यहाँ पे कौन कौन सा मंदिर है, कौन कौन सा माँ का मंदिर है, ठीक है, चलिए पूछते हैं फिलहाल। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं पीछे बाबा जी, बाबा जी प्रणाम। तो बाबा जी यहाँ पे बता सकते हैं आपके यहाँ पे कौन कौन सा मंदिर है रजरप्पा में? काली तारा महाविद्या षोड़शी भुवनेश्वरी भैरवे छिन्नमस्ताचा विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता दश महाविद्या सर्वसंशोभिता। तो गाइस आप लोग सुने कि जैसे कि बाबा ने बताया इतना सारा मंदिर है यहाँ पे, अभी चलिए आप लोग को सारा कुछ दिखाते हैं मंदिर, ठीक है। तो थैंक यू बाबा, चलते हैं। तो देख सकते हो गाइस ये हमारे सामने ये काली माँ का मंदिर है, आप लोगों को चारों तरफ घुमा के दिखाता हूँ मैं। अभी देख सकते हो गाइस ये मंदिर अभी चारों तरफ घूम के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो मैं एक साल पहले आया था तो पूरा अच्छा तरह से नहीं घूम पाया था, ठीक है। और हमारे जो पीछे आप लोगों को दिख रहा है ये काली माँ का मंदिर है, आप लोग गाइस दर्शन कर लो, ठीक है, यहीं से पूरा फुल पावर में देख सकते हो। गाइस हम थोड़ा आप लोग को आगे जाके दिखा रहा हूँ, बट गाइस पैर में देख सकते हो कुछ नहीं पहने तो बहुत ज़्यादा जल रहा है पैर, है ना। और यहाँ पर से देख सकते हो आप लोग माँ काली का मंदिर, आप लोग गाइस दर्शन कर लो यहाँ पर से, जो कि पैर में इतना धूप है गाइस, पैर बहुत ही जल रहा है ना, देख सकते हो। और गाइस आप लोग इस साइड में देख सकते हो, जो कि इस साइड में गाइस बरसात के दिन में पूरा नीचे भरा रहता है पानी, आप लोग देख सकते हो इस, और बहुत सारा भी पत्थर है, जो कि अभी गर्मी का दिन आप लोग को पता ही होगा कितना ज़्यादा गर्मी है, और इधर पूरा सूखा पड़ा हुआ है ना। तो अभी चलिए गाइस चलते हैं, आप लोग को दूसरा मंदिर दिखाते हैं, जो कि गाइस ये रजरप्पा मंदिर बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से लोग शादी एंड पूजा करने के लिए आते हैं, है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर, तो चलिए दिखाते हैं अपने आप लोग को। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे बोटिंग होता है गाइस, ठीक है, पूछते हैं कितना में लगता है। और ये देख सकते हो हमारे पीछे कितना सारा बोट लगा हुआ है, नाव देख सकते हो गाइस। तो गाइस इधर देख सकते हो कितना सारा नाव लगा हुआ है,
जो कि कितना लेता है पैसा नाव में बैठाने का, वहाँ तक ले गया। उधर देख सकते हो बहुत सारा नाव है ना। तो चलिए अभी पूछते हैं कितना लेता है नाव में घुमाने। अंकल कितना लेते हैं? एक जन का? अच्छा, तो गाइस देख सकते हो एक जन को 50 रुपये लेते हैं। कहाँ तक से कहाँ तक लगेंगे? उधर से उधर। अच्छा, एक राउंड बोले तो उधर से इधर लाएंगे, है ना। तो गाइस आप लोग देखिए पीछे साइड कितना सारा नाव है, जो कि अंकल से भी पूछे तो वो बोले एक आदमी का 50 रुपया है ना, दो आदमी का 100 रुपया। तो हम लोग नाव में नहीं बैठ रहे गाइस, और जो कि एक चक्कर पूरा घुमाएंगे, है ना। जो कि एक आदमी का 50 ले रहे, दो आदमी का 100। देख सकते कितना सारा नाव है, बट हम लोग नहीं बैठ रहे। अभी चलते हैं हम लोग ऊपर की ओर, दूसरा लोकेशन में। यहाँ पे मंदिर तो आप लोग को हम घुमा ही रहे हैं, आप लोग देख सकते हो पीछे साइड कितना सारा नाव है। सो तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, आप लोग को ऊपर का व्यू दिखाते हैं कैसा। सो और मस्त सा मौसम भी किया हुआ है, लगता है पानी आएगा कि क्या, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस ऊपर का मौसम कितना प्यारा हो रखा है गाइस, चारों तरफ देख सकते हो, है ना। यहाँ पर गाइस मुंडन भी होता है, और पूजा तो करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, है ना। और एंड शादी भी होता है यहाँ पर। तो गाइस आप लोग ये देख रहे हैं ऊपर से ये भैरवी नदी है, और नीचे वो दिख रहा है वो दामोदर नदी, जो कि भैरवी नदी दामोदर नदी में जाके मिल रही है, देख सकते हैं आप लोग पीछे साइड। और अभी का व्यू गाइस बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पे दो नदी है, ठीक है, जो कि आप लोग ऊपर से भी देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा कुछ। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हैं मंदिर है, जिसका नाम है, मंदिर का नाम है क्या चीज, माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर। देख सकते हो आप लोग कितना सारा है, पीछे 7 मंदिर है ना, वहाँ पे सब अलग अलग मतलब कि भगवान है, माता रानी है। आप लोग देख सकते हो कितना सारा है, सो वहाँ पे गिन सकते हैं, ठीक है, पीछे साइड इतना सारा मंदिर। तो देख सकते हो गाइस काफी मस्त व्यू भी शाम शाम के टाइम में। तो गाइस अभी ना माता जी का दर्शन कर लिया, और आप सभी को भी दर्शन करवाएं, और पूजा पाठ भी हो चुका है, अभी फिर से हम लोग वही जगह में आ चुके हैं। चलिए गाइस हम लोग आज के इस ब्लॉग को यहीं तक एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज के इस ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो गाइस लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय बाय, जय माता दी।